इस दिवाली ट्राई करें बहुत ही इंटरेस्टिंग से डेजर्ट्स जो सिर्फ 20 मिनट में बन के रेडी होते हैं। तो पहली रेसिपी जो है वो केसर मावा लड्डू की रेसिपी है और दूसरी जो है वो चॉकलेट बर्फी की रेसिपी है जो बहुत ही इंस्टेंट है। इंस्टेंट चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए एक बाउल में ले ले फाइनली चॉप चॉकलेट। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट का यूज़ किया है, आप चाहे तो मिल्क या फिर वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लेना और अच्छे से मिक्स कर ले। फिर इसमें ऐड कर देना है टूटी फ्रूटी और मिल्क पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये सब इकट्ठा ना आ जाए। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब चॉकलेट का यूज़ किया है, इसमें ऐड किया है टूटी फ्रूटी, आप आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं टूटी फ्रूटी। और इसमें ऐड कर देना एंड में मिल्क पाउडर, तो यहाँ पे 25-30 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसे मैंने मिक्स करके वापस से 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दिया था। एंड में ऐड कर दे इसमें थोड़ा सा घी और कुटी हुई इलायची का पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक मोल्ड ले ले, उसमें लगा लेना है थोड़ा सा घी और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है कॉर्नर्स और साइड पे। ग्रीस्ड मोल्ड में हम ऐड कर देंगे चॉकलेट बर्फी का जो मिक्सचर हमने बनाया है, इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे सारे तरफ से। आप चाहे उतना इसे थिक या फिर थिन रख सकते हैं। इसे स्प्रेड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से साइड में थोड़ा सा शेप दे दिया था और मैंने इसे सेट होने के लिए फ्रीज कर दिया था 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है देन डोंट वरी, आप इसे डबल बॉयलर में भी बना सकते हैं। डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट कर ले, फिर चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर ले ताकि ये बहुत ही शाइनी से हो जाए। इसमें ऐड कर देना है टूटी फ्रूटी और मिल्क पाउडर, इसे 1 मिनट के लिए और कुक कर ले डबल बॉयलर में और इसे हीट में से निकाल लेना है। एंड में ऐड कर देना इलायची पाउडर और घी और इसे अच्छे से मिक्स कर, फिर उसे मोल्ड में ट्रांसफर करके एक बार सेट होने दे। जब बर्फी सेट हो जाए उसे डीमोल्ड कर ले, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड भी हो जाएगा ताकि इसमें चॉकलेट प्रेजेंट है। इसे थोड़ी से नाइफ की हेल्प से इसके एजेस को रिमूव कर ले और अगर आपको लगे कि चॉकलेट बहुत ही हार्ड हो चुकी है तो नाइफ को थोड़ा गर्म कर ले गैस के ऊपर और उसके बाद इसके पीसीस करें, आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली कट हो जाएंगे। तो बन के रेडी है हमारी इंस्टेंट वाली मावा बर्फी। अब हम बनाएंगे केसर मावा लड्डू जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन के रेडी होता है। और मेन थिंग ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए एक पैन ले ले, इसमें डाल देना है पाउडर्ड शुगर और पानी, दोनों को हम कुक कर लेंगे जब तक कि ये एक तार की चाशनी में फॉर्म ना हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है साइड से। जब इसकी एक तार की चाशनी बनके रेडी हो जाए इसमें ऐड कर देना घी और केसर वाला दूध, इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अगर आपको घी यूज़ नहीं करना है तो इसमें आप रिप्लेस कर सकते बटर से। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दे मिल्क पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप ना रहे। इसे चलाते रहना है ताकि ये चिपके ना। अगर आप नॉनस्टिक पैन में बना रहे हैं देन वेल एंड गुड, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इसे बनाते वक्त। अगर आप कोई भी स्टील या फिर किसी भी अलग पतीले में बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा चिपकने की प्रॉब्लम रहेगी, तो इसे कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है। तो यहाँ पे दो रेसिपीज़ बन के रेडी होगी। अगर आप इसे बहुत ही कम कुक करते हैं और इसे रिमूव कर लेते हैं एक टिन में तो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा केसर मावा लड्डू। इसे सिर्फ शेप देना बाकी रहेगा। और अगर आप इसे बहुत टाइम के लिए कुक करते हैं तो फिर ये बन जाएगा बहुत ही हार्ड। इसे आपको पीस लेना है मिक्सी ग्राइंडर में ठंडा करके और इसमें ऐड कर देना है घी और इसके एक लड्डू फॉर्म कर लेना है। बीच में मैंने इलायची का पाउडर भी ऐड किया था, इसे कुक करते वक्त ऐड कर ले और इसे ऐसे ठंडा कर लेना है रिमूव करके। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसके लड्डूस बनाओगे या फिर पेड़ा। अगर आपको कुकिंग टाइम का पता ना चले, ज़्यादा कुक हो जाए देन डोंट वरी, इसे ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा, इसे ब्रेक करके मिक्सी में पीस लेना है। जब ये पाउडर फॉर्म हो जाए इसमें ऐड कर दे घी और इसके लड्डूस बना ले। इस दिवाली ट्राई करें दो इंस्टेंट लड्डूस और बर्फी की रेसिपीज़ और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।